प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान के भाग ब के पाठ भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व के अंदर पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन भारत के संविधान की 10 विशेषताओं के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। आज अपन इसे आगे बढ़ेंगे तो 11वीं विशेषता इसकी विलक्षण दस्तावेज। विलक्षण से तात्पर्य है विशेष लक्षणों का होना। तो हमारे भारतीय संविधान के अंदर दूसरे देशों के संविधान से जो भी अच्छी बातें हैं, उन अच्छी सभी बातों का हमारे भारतीय संविधान के अंदर समावेश किया गया था। हमारे संविधान के निर्माण से पूर्व कई देशों के संविधानों का निर्माण हो चुका था, तो उनमें से जो भी अच्छी बातें थी उनका हमारे संविधान में हूबहू उनको वैसा के वैसा ले लिया गया था। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान से मूल अधिकार लिए गए हैं, कनाडा के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो कई ऐसी बातें जो दूसरे देशों के संविधान से अच्छी थी उनको अपने भारतीय संविधान के अंतर्गत वो सम्मिलित किया गया था। इसी के साथ में विशालता का होना, निर्मित होना, लिखित होना, ये सभी विशेषताएं अपने संविधान को अन्य विश्व के संविधानों से अलग करती है, जो कि इसकी विलक्षणता को प्रदर्शित करता है। और इसी को देखते हुए दक्षिणी अफ्रीका ने भारतीय संविधान को अपने प्रतिमान के रूप में भी स्वीकार किया है। अगली इसकी विशेषता है एकात्मक व संघात्मक तत्वों का मिश्रण। जैसा कि अपने को पता है, पूर्व की कक्षा में अपन ने पढ़ा है कि भारत के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था प्रचलन में है, जिससे तात्पर्य है शासन की जो शक्तियां हैं उनका केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकरण कर दिया गया है, और इन सभी दिए गए अधिकारों का प्रत्येक स्तर पर बिना किसी हस्तक्षेप के उपयोग किया जा सकता है। लेकिन फिर भी संघात्मकता के साथ साथ में कुछ ऐसे प्रावधान है जो एकात्मकता को भी प्रदर्शित करते हैं, जैसे संपूर्ण देश के अंदर एक ही संविधान का होना, इसी के साथ में एकल नागरिकता का प्रावधान होना, अर्थात देश और राज्य की नागरिकता एक ही होना, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर देश और राज्य दोनों की नागरिकता अलग अलग है। हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात राज्य और देश की नागरिकता एक ही होना, किसी भी राज्य का नागरिक होगा प्रथम दृष्टया वो भारत का नागरिक होगा। इसी के साथ में अपशिष्ट शक्तियों पर केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाने को प्राथमिकता, समवर्ती सूची के ऊपर भी कानून के अंदर केंद्र को प्राथमिकता, और इसी के साथ में एकीकृत न्याय व्यवस्था का होना, ऐसे कई प्रावधान है जो हमारे भारतीय शासन व्यवस्था में एकात्मकता को प्रदर्शित करते हैं। अगली विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका, अर्थात अपने भारतीय संविधान के अंदर स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है, जिसके अंदर न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय प्रदान करती है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन यदि राष्ट्रपति या एक आम नागरिक के द्वारा अपराध किया जाता है तो समान अपराध के लिए समान दंड की व्यवस्था हमारे न्यायपालिका के अंदर प्रचलन में है। इसी के साथ में न्यायपालिका कार्यपालिका के आदेश या व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून यदि संविधान की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हैं तो न्यायपालिका ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है और उनको पुनर्विचार के लिए भी बाध्य कर सकती है। इसी के साथ में है संविधान द्वारा जो प्रदत्त अधिकार है उनकी रक्षा के लिए न्यायपालिका समय समय पर बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण लेख, अधिकार प्रचार आदि लेखों के द्वारा प्रदत्त जो भी अधिकार है उनका संरक्षण करती है। अगली विशेषता है कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। हमारा भारतीय संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति कठोर और ब्रिटेन के संविधान की भांति लचीला है। कठोरता से आशय है कि हमारे भारतीय संविधान के अंदर किसी भी प्रकार के अध्यादेश को कानून बनाने के लिए ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर संसद के दोनों सदनों के अंदर उस अध्यादेश को रखा जाता है, जिसको विभिन्न वाचनों के द्वारा
पूर्ण होने के बाद में यदि वो दो तिहाई बहुमत से सदन में पास हो जाता है तो उसके पश्चात वो राष्ट्रपति के पास में जाता है, वो राष्ट्रपति यदि उस पर हस्ताक्षर करता है तो फिर वो कानून बनता है। तो इस लंबी प्रक्रिया के अंदर यदि कहीं भी बाध्यता आती है तो वो कानून बनने में कई प्रकार की अड़चने आ जाती है जो इसकी कठोरता को प्रदर्शित करता है। और इसके अलावा हमारे भारतीय संविधान के अंदर यह व्यवस्था भी की गई है कि यदि समय के अनुरूप किसी भी प्रकार का संविधान में यदि संशोधन किया जाना है तो वो संशोधन है वो किया जा सकता है। जैसे शुरुआत के अंदर संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन समय की आवश्यकता के अनुसार उसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा करके वैधानिक अधिकार बना दिया गया, जो इसके लचीलेपन को प्रदर्शित करता है। अगली विशेषता है विश्व शांति का समर्थक। अर्थात भारत हमेशा ही शांति का समर्थक रहा है। द्विपक्षीय जितने भी प्रकार के मुद्दे हैं उनको युद्ध की बजाय आपसी बातचीत से सुलझाने का हमेशा भारत ने प्रयास किया है। पड़ोसी देशों के साथ में भी अच्छे संबंध बनाए हैं और जब जब भी कटुता आई है तो आपसी बातचीत से ही मुद्दों को हल करने का प्रयास किया है। और इसी के साथ में भारत की जो नीति है वो वसुधैव कुटुंबकम की है, अर्थात पूरे विश्व को उन्होंने अपना एक परिवार माना है। और इसके अलावा गुटनिरपेक्षता की नीति है, पंचशील के सिद्धांत है आदि जो नीतियां हैं वो भारत को एक विश्व शांति के दूत के रूप में प्रदर्शित करता है। अगली विशेषता है न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता का समन्वय। हमारे संविधान के अंदर संसद को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। देखिए कि अपने को बताया कि संसद है समस्त राजनीतिक व्यवस्थाओं की धुरी है और कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को दिया गया है, लेकिन फिर भी इसको नियंत्रित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को उन सभी कानून सभी अध्यादेशों के व्याख्या करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से न्यायालय है वो व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून या कार्यपालिका के जो आदेश है उन सभी को अवैध घोषित कर सकती है यदि वो सभी प्रकार के कानून यदि संविधान की भावनाओं के अनुरूप नहीं है या जन कल्याणकारी नहीं है या किसी भी एक वर्ग विशेष को यदि पक्षपात करते हैं या जिससे दूसरे वर्ग के साथ में पक्षपात होता है, ऐसे सभी मुद्दों या प्रावधानों को है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है या पुनर्विचार के लिए वो बाध्य किया जा सकता है। अगली विशेषता है आपातकालीन उपबंध। हमारे भारतीय संविधान के अंदर तीन प्रकार के आपातकालीन उपबंधों की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति के अंदर संपूर्ण देश में या देश के किसी भी कोने के अंतर्गत आपातकाल की व्यवस्था की जा सकती है, जिसके अंतर्गत पूर्ण संपूर्ण शक्ति है वो केंद्र सरकार के अधीन आ जाती है। अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य के अंदर यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस स्थिति के अंतर्गत वहां पर भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और इसी के साथ में अनुच्छेद 360 के तहत देश के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अर्थात ये जो तीनों शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियों के तहत प्रदान की गई है। अगली विशेषता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता से तात्पर्य देश और राज्य की नागरिकता का एक ही होना। हमारे देश के अंतर्गत एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात किसी भी राज्य का नागरिक है प्रथम दृष्टया वो भारत का नागरिक है, चाहे वो राजस्थान का है, चाहे बिहार का है, चाहे यूपी का है। यदि उससे पूछा जाए कि आप कहाँ के नागरिक है तो वो यही कहेगा कि मैं भारत का नागरिक हूँ। इसकी बजाय जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर देश और राज्य की मतलब अलग नागरिकता अर्थात दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, हमारे देश के अंतर्गत एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगली अपनी विशेषता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श है। लोक कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य है ऐसे राज्य की स्थापना किए जाए जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय है वो लोगों को प्रदान कर सके,
जिसके अंदर सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि नागरिकों के मध्य बिना किसी भेदभाव के समानता स्थापित करना और किसी भी नागरिक के साथ में धर्म, लिंग, जाति, भाषा के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, यह व्यवस्था लोक कल्याणकारी राज्य के माध्यम से की गई है। इसी के साथ में आर्थिक न्याय के संदर्भ के अंदर है सभी नागरिकों को आजीविका के समान अवसर उपलब्ध कराना और इसी के साथ में उत्पादन और वितरण के साधनों का समान रूप से केंद्रीकरण के बजाय विकेंद्रीकरण करके सभी को समान रूप से संसाधन वो उपलब्ध कराए जाए। साथ में राजनीतिक न्याय के अंतर्गत सभी नागरिकों को राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंदर समान अवसर उपलब्ध कराए जाए, सभी को समान रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसी संदर्भ के अंदर संविधान के अंदर वयस्क मताधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत राजनीतिक व्यवस्था को साकार रूप देने का भी प्रयत्न किया गया है। अगली विशेषता है अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। हमारे भारतीय संविधान के अंदर अल्पसंख्यकों के धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था की गई है। अर्थात अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के सिद्धांत, पूजा पाठ है और जो भी रीतियां उनको अपनाने का अधिकार प्रदान किया गया है और इसी के साथ में उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो उन्हें बोलने के माध्यम के रूप में या शिक्षण के माध्यम के रूप में भी अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है। ऐसे धर्म से संबंधित संस्थानों को भी संरक्षण प्रदान किया गया, अनुदान प्रदान किया गया और इसी के साथ में ही जो उनके सांस्कृतिक तत्व है, उनके त्योहार है, उनको भी हर्षोल्लास से मनाने के अधिकार भी संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं। इसी के साथ में ही समाज के अंतर्गत जो पिछड़े वर्ग है उनको भी समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न किया गया है और जितने भी प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक जो व्यवस्थाएं हैं उनमें समान रूप से प्रतिनिधित्व है या उनके विशेष प्रतिनिधित्व के लिए इन सभी व्यवस्थाओं में आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 330 और 32 के तहत लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत भी इनके आरक्षण की व्यवस्था की गई है और साथ ही ये आर्थिक रूप से मजबूत बन जाए इनके लिए भी सरकारी सेवाओं के अंतर्गत भी इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार हमारे भारतीय संविधान की 20 ऐसी विशेषताएं हैं इस जो कि विश्व के अन्य संविधानों से अपने भारतीय संविधान को विलक्षण बनाती है। धन्यवाद।